हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभदायक माना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखदायक दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कन्याएं भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रोदय के बाद पूजा कर अपना व्रत पूरा करती हैं। उत्तर भारत में करवा चौथ सबसे ज्यादा मनाया जाता है। हर साल यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार करवा चौथ की तिथि को लेकर कई लोग हैं। कई लोग इस दुविधा में हैं कि इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 14 अक्टूबर को। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2022 में 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को यह व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात 1:59 पर शुरू होगा और 14 अक्टूबर रात 3:08 पर समाप्त होगा। क्योंकि सूर्य उदय की तिथि 13 अक्टूबर में पड़ रही है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को ही रखा जाना चाहिए। करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त 6:17 से 7:31 तक रहेगा। करवा चौथ पूजन की शुभ मुहूर्त की अवधि 1:13 रहेगी। करवा चौथ व्रत का समय 6:32 से 8:48 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय 8:48 होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2022 को 1:59 से शुरू होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2022 को 3:08 पर खत्म होगा। आगे बात करते हैं करवा चौथ की पूजा की विधि। इस त्योहार के दिन सुहागिन महिलाएं सबसे पहले नहाकर श्रृंगार करती हैं और सूर्योदय से पहले सर्गी करके व्रत रखती हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम के समय में महिलाएं करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करती हैं और दूसरी पूजा चंद्रोदय के समय करती हैं। उस दौरान वे अपने पति को छलनी से देखती हैं और उनकी आरती उतारती हैं। फिर पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उनका व्रत तोड़ते हैं। आगे बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत से जुड़े कुछ नियम। अगर गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इसके दौरान वे समय समय पर फल और पानी का सेवन करती हैं। उन्हें भारी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वे अपने आराम के अनुसार ढीले और हल्के कपड़े पहन के श्रृंगार कर सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह उनके और उनके होने वाले शिशु के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इस दिन वे करवा चौथ से जुड़ी सभी विधियां अपनाएं। करवा चौथ का क्या महत्व है, आइए आगे बात करते हैं। करवा चौथ का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और 7 जन्मों के साथ रहने की कामना करती हैं। आगे बात करते हैं करवा चौथ में सर्गी का क्या महत्व है। करवा चौथ में सर्गी का विशेष महत्व माना जाता है। दरअसल सर्गी का प्रचलन सबसे ज्यादा पंजाब में है। सर्गी खाने की वो जरूरी वस्तुएं जो करवा चौथ पर सूर्य उदय से पहले सास अपनी बहुओं को भोजन के रूप में खाने के लिए देती हैं। सुहागिनें सर्गी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इसे सुबह यानी सूर्योदय से पहले 4 से 5 बजे के बीच ग्रहण करना चाहिए। आगे बात करते हैं सर्गी में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, खीर या दूध की फैनी। सर्गी में खीर या फैनी का ग्रहण करें। इससे शरीर में शुगर की आवश्यक मात्रा और एनर्जी का लेवल बना रहता है। इसे खाने से दिन भर तंदुरुस्ती महसूस होती है। नंबर 2, ड्राई फ्रूट। सर्गी में ड्राई फ्रूट का सेवन भी कर सकती हैं। यह दिन भर शरीर में पानी की जरूरी मात्रा को पूरा करेगा और थकावट भी नहीं महसूस होगी। नंबर 3, फल। फल बहुत जल्दी पच जाते हैं, ऐसे में सुबह सर्गी में फल जरूर खाएं। यह पोषण और ऊर्जा के लिए आवश्यक है। सामान्य पानी की जगह नारियल पानी पिएं, जिससे शरीर में मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 4, ककड़ी। करवा चौथ निर्जला व्रत है, ऐसे में प्यास से बचने के लिए ककड़ी का सेवन किया जा सकता है। सो गाइस, करवा चौथ के व्रत से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।